आज मैं आपको टायर एयर प्रेशर के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। मैं साफ शब्दों में आपको बताऊं, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप अपने स्कूटर या मोटरसाइकिल में आगे और पीछे पहियों में हवा की मात्रा सही रखेंगे तो उससे आपका क्या फायदा होगा, और अगर आप सही नहीं रखेंगे तो उससे आपका क्या नुकसान होगा। अब टायर एयर प्रेशर का नाम सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसको तो सभी जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी सभी लोग नहीं जानते हैं। मेरे हिसाब से मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उससे आपका फायदा निश्चित है कि आपका फायदा होगा, आपकी बाइक सही चलेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी बाइक में हवा कम रहेगी तो उससे आपका क्या नुकसान होगा। हवा कम रहने से सबसे बड़ा फर्क आपकी बाइक के माइलेज पे पड़ता है। आप सिर्फ कार्बोरेटर सेट करवा लेंगे अगर या सर्विस करवा लेंगे तो ऐसा नहीं है कि उससे ही माइलेज बढ़ जाएगी, हर चीज़ का महत्व होता है। इसलिए अगर आप टायर एयर प्रेशर को सही रखेंगे तो आपकी बाइक की माइलेज कम नहीं होगी। अब माइलेज कम क्यों होती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपकी बाइक की माइलेज कम होती है। अब यहाँ पर मैं आपको टायर दिखा के ये बताऊँ कि अगर आपकी बाइक में हवा कम रहेगी तो कैसे आपका नुकसान होगा, कैसे आपकी बाइक माइलेज कम देगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बाइक में हवा सही है तो ये इतना रोड पकड़ के चल रही है, और जब इस बाइक के अंदर हवा कम हो जाएगी, मतलब इस टायर के अंदर हवा कम हो जाएगी, तब यही टायर चपटा हो जाएगा, ये पिचक जाएगा और ये इतना रोड पकड़ के चलेगी ये बाइक, तो जिससे इस बाइक को ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी और आपकी बाइक इसी वजह से माइलेज भी कम देगी। और जब इसके अंदर हवा कम हो जाएगी तो आपका पहिया भी सही नहीं घूमेगा, जिससे आपको चलाने में उतना बैलेंस भी नहीं बनेगा, ज़्यादा आपको अच्छा भी नहीं लगेगा चलाने में। इस तरीके से इसमें आगे होगा, और यही चीज़ मैं आपको पीछे दिखा दूँ। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 150 cc की बाइक है, अगर आपके पास 100 cc की बाइक है तो उसमें कुछ ज़्यादा ही सही दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख लें ये इतना रोड पकड़ के चल रही है, ये टायर अभी घिस चुका है, अगर ये नया होता तो आप देखते कि ये इतना ही रोड पकड़ के चलता और जब इसके अंदर हवा कम हो जाती तो ये पिचक जाता। यही चीज़ मैं आपको 100 cc की बाइक में दिखा दूँ, हीरो की बाइक में आपको दिखा दूँ। जैसे आपके पास 100 cc 125 cc की बाइक होगी तो आप देखेंगे इस तरीके से ये इतना ही रोड पकड़ के चल रहा है, लेकिन हवा कम होने पर ये पिचक जाएगा और जिससे आपकी बाइक को ताकत लगानी पड़ेगी और आपकी बाइक माइलेज कम देगी और हैंडल भी सही नहीं चलेगा, सही से बैलेंस नहीं होगा, हैंडल भी टाइट चलेगा। तो हवा कम रहने से ये आपके अंदर नुकसान हो गया, आपकी बाइक के अंदर नुकसान हो जाएगा। और अगर आपकी बाइक में हवा ज़्यादा हो गई तो आपका क्या नुकसान होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि आगे और पीछे से कुछ ज़्यादा ही आपकी बाइक अगर खटखट खटखट की आवाज़ करती है तो ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आप बैरिंग ही या शॉकर ही बदलवा दें, उसमें आप हवा का प्रेशर भी, मतलब कि टायर एयर प्रेशर को ज़रूर चेक कराएँ। और हवा ज़्यादा रहने से कुछ लोगों ने देखा है, मैंने प्रैक्टिकली ये चीज़ देखी है कि आपकी पिछले पहिए की तीनों बैरिंग खराब हो जाती हैं, मतलब यहाँ पर दो बैरिंग इसके पहिए में लगी होती है और एक बैरिंग लगी होती है इस पॉकेट में, यहाँ पर बैरिंग लगी होती है। तो हवा अगर आप ज़्यादा रखवाएंगे तो ये बैरिंग जल्दी जल्दी ख़राब होती हैं, यही इसके अंदर दिक्कत आती है। और शॉकर का बुश भी ख़राब होता है, लेकिन उसके लिए मैं आपको 100 cc में दिखा दूँ कि शॉकर का बुश कहाँ लगा होता है पिछला, जिससे आपको सही तरीके से जानकारी मिल सके। आप देखेंगे अगर आपके पास डबल शॉकर वाली बाइक है तो ये शॉकर का बुश बहुत जल्दी ख़राब होता है, जिससे पीछे से खटखटाहट की आवाज़ ज़्यादा आती है और इसके तीनों बैरिंग ख़राब हो जाते हैं। तो हवा ज़्यादा रखेंगे तो आपको चलाने में ज़्यादा कंफर्ट भी नहीं फील होगा, क्योंकि बाइक ज़्यादा उछलेगी और आप यही सोचेंगे कि आपका शॉकर ख़राब हो गया, आप बार बार शॉकर को बनवाएंगे या चेंज करवाएंगे। इसलिए टायर एयर प्रेशर का बहुत ही महत्व है, लेकिन हम लोग उसका ध्यान सही से नहीं रखते हैं, इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। और आपने देखा होगा कि अगले पहिए में अगर हवा ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ की सारी रबड़ कट जाती हैं, इसमें जो बाइजर में रबड़ लगी होती हैं वो कट जाती हैं। यही चीज़ मैं आपको 150 cc में भी दिखा दूँ, नहीं तो हो सकता है आपको उतना सही से ना समझ में आए, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ। अगर आपकी बाइक में आगे हवा ज़्यादा हो जाती है तो चाहे आपके पास अपाचे हो, पल्सर हो, जो भी बाइक हो, उसके अंदर जो रबड़ लगी होती हैं वो रबड़ कट जाती हैं और आपका बाइजर हिलने लगता है, जिससे आपको ऐसा लगता है कि वाइब्रेशन फील हो रही है और आपकी बाइक आगे से कम्फर्ट नहीं रहती है, उसकी बैरिंग ख़राब हो जाती है अगले पहिए की। इसलिए आप हवा का ध्यान जरूर रखें, जिससे आपकी बाइक की बैरिंग भी ना ख़राब हो और आपकी बाइक बिल्कुल अच्छी तरीके से चले, यही इसका सबसे बड़ा फंडा है। इसलिए मैं आशा करता हूं आप अपनी बाइक के टायर एयर प्रेशर का ध्यान रखेंगे, इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। और ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा, मान लीजिए आप किसी ऑटोमेटिक सर्विस सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ तो हवा नाप के भर देते हैं, उसमें उतना ही फिक्स होता है, उतनी हवा जाती है। लेकिन अगर आप कहीं अलग जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं, भारत देश में सभी लोग प्रशिक्षित हैं, कुछ लोग 35 से 40 कर देते हैं, 35 से 50 भी मैंने देखा लोग कर देते हैं, जिससे आपकी बाइक ज़्यादा उछलती है। तो इसलिए आप अपने टायर एयर प्रेशर का ध्यान रखें और खुद ही बताएं कि आपको कितना भरवाना है। मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि मैं जब रिव्यू करता हूं तो मैं आपको दिखाता रहता हूं कि टायर एयर प्रेशर उस बाइक के अंदर कितना होगा। यहाँ पर आप देख लें, ये इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितना भरना चाहिए। ऐसे ही आपकी जो भी बाइक होगी उसके चेसिस पे या
सिंगार पे या पेट्रोल टैंक पे, हीरो की बाइक के पेट्रोल टैंक पे लिखा होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप देख लें या आप अपने ऑनर मैनुअल में जरूर देखें, जिससे आपको पता चले कि आपकी बाइक में हवा का प्रेशर कितना रहना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और मैं आपसे फिर एक बात बता दूँ कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा हल्के में न लें। आप ये ना सोचें कि हवा का कोई महत्व नहीं है। अगर आप इन सारी चीज़ों को रखेंगे तभी आपकी बाइक माइलेज देगी। ऐसा नहीं है कि आप केवल कार्बोरेटर से सेट कर देंगे और पूरे अपने पिछले पहिए और अगले पहिए की हवा निकाल के चलाएंगे तो आपकी बाइक माइलेज देगी। इसलिए आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।